नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीवीटी की कुकिंग में। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज। अगर आपको मेरी सिंपल फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। फ्राइज बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 4 बड़े आलू, स्वाद अनुसार नमक, ज़रूरत से अनुसार पानी। आलू को इस तरीके से छिल लेंगे और आलू को काटेंगे। उससे पहले आप आलू को सबसे पहले पानी में डाल दीजिए। आलू को पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आलू की कटिंग। तो आलू को कट करने के लिए आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज कटर नहीं है तो आप इस तरीके से आलू को काट सकते हैं लंबी लंबी स्लाइसेस में। इस तरीके से आलू को पतला पतला काट लें और इसकी लंबी लंबी स्लाइसेस कर लीजिए। ध्यान रहे आपकी जो स्लाइसेस है वो ज़्यादा मोटी या फिर ज़्यादा पतली नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, ध्यान रहे जब भी आप फ्रेंच फ्राइज बनाएं बड़े आलू का ही इस्तेमाल करें। छोटे आलू से आपकी फ्रेंच फ्राइज बहुत छोटी छोटी बनेगी और टेस्टी भी नहीं बनेगी। इस तरीके से चारों आलू को कट करने के बाद में आप इन्हें पानी में डाल दें। तो चलिए अब इन्हें करने के लिए हम सबसे पहले एक भगोने में थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। आप आपकी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से तेज़ गर्म होने दीजिए। फिर इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालिए या फिर आपके स्वाद के अनुसार, और इसे ढक के फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ध्यान रहे आपके पानी में अच्छे से उबाल आना चाहिए या फिर आपका पानी अच्छे से तेज़ गर्म होना चाहिए, वरना आपके आलू बिखरना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद में आप इसे 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए, 7 मिनट हो चुके हैं और मेरे आलू अच्छे से पक चुके हैं। हल्का सा प्रेस करके देख लीजिए, अगर आपका आलू हल्का प्रेस हो रहा है तो समझ लीजिए आपका आलू अच्छे से पक चुका है। तो आप इसे एक स्टैंडर की सहायता से एक सूखे कपड़े पर निकाल लेंगे। अगर आपके पास स्टैंडर नहीं है तो आप पूरी तलने वाली छन्नी से भी इसे स्वाइप अप कर सकते हैं। ध्यान रहे आलू के अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से डालने के बाद में आप इसे से इस तरीके से पोंछ लेंगे। आलू के अंदर से सारी नमी को हम निकाल लेंगे और इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए आलू को भी आप इसी तरीके से पोंछ लेंगे और इसके अंदर से नमी निकाल लेंगे। ठीक इसी तरीके से फैला लेंगे। ये प्रोसेस हमें इसलिए करना है और ये प्रोसेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपकी फ्रेंच फ्राइज सॉफ्ट बनती है और 2 घंटे बाद में फ्रेंच फ्राइज तलने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और जो भी तेल आप खाते हैं वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सोयाबीन या फिर राइस का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन फ्रेंच फ्राइज को 2 बार तलना है। तो एक बार में हल्का सा इसके ऊपर कवर बनने लगे बस इतना ही तलना है और इसे सेकंड टाइम में हम क्रिस्पी करेंगे। तो आप घड़ी में टाइम देख लीजिए, इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए फर्स्ट टाइम में तलिए और सेकंड टाइम में आप इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए तलिए।
चार से पांच मिनट हो गए हैं तो मैं इन फ्रेंच फ्राइज को बाहर निकाल देती हूँ। ठीक इसी तरीके से हम सारे फ्रेंच फ्राइज को तल लेंगे और चार से पांच मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में इस तरीके से हिलाते रहिए। ये देखिए, स्टेयर करने से आपकी फ्रेंच फ्राइज एक जगह से पकने की बजाय सारी अच्छे से पक जाएगी। चार से पांच मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूंगी। ये देखिए, थर्ड टाइम में मैंने सारे आलू को एक साथ में डाल दिया है। आप चाहें तो सारे आलू को एक साथ में डाल के तल सकते हैं, पर उसके लिए आपको तेल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। एक एक मिनट के अंदर आप इसे इस तरीके से हिलाते रहिए ताकि आपके फ्रेंच फ्राइज चारों तरफ से बराबर से पके। ये देखिए, 1.5 घंटे तक मैंने इनको रख दिया है, तो मैं इसे फिर से तलूंगी। ध्यान रहे, इसका गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई फ्लेम रखिए, लो फ्लेम पे बिल्कुल ना तलें, अदरवाइज आपकी फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर आप फ्रेंच फ्राइज को सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लो फ्लेम पे तलिए, अगर आप इसे क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो इसे हाई फ्लेम में तलिए। तो बस हाई फ्लेम पे इसे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए तलेंगे, ज़्यादा तले ना, अदरवाइज आपकी फ्रेंच फ्राइज जल जाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं और मुझे मेरे फ्रेंच फ्राइज हल्के हल्के गोल्डन क्रिस्पी लगने लगे हैं, तो बस मैं इन्हें बाहर निकाल देती हूँ। ध्यान रहे, इसे टिश्यू पेपर या फिर किचन टाल पे निकाले, अदरवाइज इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा रह जाता है। अगर आपके पास ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो आप इसे पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं। मैं आप इन फ्रेंच फ्राइज को किचन टाल पे निकाल रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये। इनका कलर हल्का सुनहरी होने तक ही इन्हें पकाइए। बाकी बचे हुए फ्रेंच फ्राइज को भी आप ठीक इसी तरीके से तल लेंगे। ध्यान रखिए, आप जब सेकंड टाइम में तल रहे हो तो आप इन्हें थोड़ा थोड़ा डाल के तलिए, बजाय एक साथ में सारे डालने के। जब आप इन फ्रेंच फ्राइज को सेकंड टाइम तलेंगे तो ये फटाफट से पकना शुरू हो जाएगी और गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इन्हें फर्स्ट ही टाइम में गोल्डन ब्राउन करेंगे तो गोल्डन ब्राउन नहीं होगी, साथ ही साथ क्रिस्पी भी नहीं होगी। तो बेटर है कि आप इसे 1 से 2 घंटे तक के लिए पंखे के नीचे रख लीजिए और फिर सेकंड टाइम फिर से तलिए। आपको कोई भी तेल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप ठीक उसी तेल में तल सकते हैं इन्हें।
फ्रेंच फ्राइज बनाते वक्त आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, आप अगर आपके पास चार आलू हैं तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 टीस्पून नमक डालेंगे, इससे ज़्यादा नमक ना डालें क्योंकि आलू को तलते वक्त तो ये सारा नमक सोख लेता है। तो आलू के अंदर अगर आप ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर आलू के अंदर नमक ज़्यादा हो सकता है, तो प्लीज़ नमक ध्यान से इस्तेमाल करें। ये देखिए बस दो दो सुन सकते हैं कि मेरे फ्रेंच फ्राइज कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अगर आप इन फ्रेंच फ्राइज़ को थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला या फिर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लीजिए, इससे आपके फ्रेंच फ्राइज़ हल्की चटपटे हो जाएंगे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। नहीं अगर आप सिंपल खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ ऊपर से थोड़ा सख्त और अंदर से नरम है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।